रायबरेली में जिले में चल रहे सुरक्षा सप्ताह माह को लेकर ईआरटीओ विभाग ने मारा के विपरीत अवैध रूप से संचालित वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस अभियान में बिना फिटनेस और बिना परमिट के कई गाड़ियां बच्चों को ले जाती पाई गई। इसमें मारुति वैन और ऑटो टेम्पो सहित अन्य वाहनों में बिना परमिट के बच्चों को ले जाया जा रहा है। जिले के प्रतिष्ठित स्कूलों के बच्चे भी इन्हीं खटारा वाहनों में आते जाते रहते हैं, जो कभी भी बड़े हादसे का रूप हो सकता है। शासन से मिले निर्देश के बाद एआरटीओ प्रवर्तन के ने छजलापुर स्थित सेंट पीटर स्कूल के पास अभियान चलाकर बिना परमिट और बिना फिटनेस के चल रही गाड़ियों का चालान काटा। साथ ही उनको चेतावनी दी गई कि जिले में मानक विहीन स्कूलों के साथ मानक विहीन साधनों से लाए जा रहे बच्चों के साथ हादसा न हो किसी तरह का, जिसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अंशु श्रीवास, जिला क्राइम ब्यूरो, चीफ टीवी इंडिया, टीम रायबरेली। सर, आज ये अभियान चलाया गया है, क्या है अभियान? अभी आपने बच्चों को फ्रूटी वगैरह दी, इसका क्या पर्पज है? देखिए, स्कूल वाहनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और पिछले एक सप्ताह में जो हमने कार्रवाई किया है उससे 127 वाहनों की फिटनेस हुई है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में स्कूल के वाहन बिना फिटनेस के संचालित हो रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, एक स्कूल है उसकी गाड़ी थी जिसमें बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन उसकी फिटनेस नहीं है। हो सकता है उसका परमिट भी ना हो, लेकिन बीमा भी नहीं था, बच्चे बैठे होने की वजह से उसे निरुद्ध नहीं किया जा सका, लेकिन उसका हमने विभिन्न अभियोगों में चालान किया है। मेरा अनुरोध ये है कि सारे स्कूल के प्रबंधक, प्रधानाचार्य एश्योर कर लें ऐसा कोई भी वाहन संचालित ना करें जिनके प्रपत्र वैध ना हो।